अन्युमन ने ग्राउंड का चक्कर लगाते हुए इस्लामिक स्पोर्ट भी तैयार है। आजाद भी के कैप्टन और अप्सरा के कैप्टन कमेटी से कांटेक्ट करें। हमारे कॉमेंटेटर निहाल भाई ग्राउंड पर आ चुके हैं। आए हुए सभी शायकीन कबड्डी का केएफसी कबड्डी फ्रेंड्स सर्कल की जानिब से आप सबका खैर मकदम है, वेलकम, खुश आमदीद। और आए हुए हमारे सभी मुअज्जज मेहमानों का, मानवर मेहमानों का, जो हमारे स्टेज की जीनत को दुबाला कर रहे हैं, आपका भी केएफसी की जानिब से आपका खैर मकदम है, वेलकम, खुश आमदीद। बहुत ही शानदार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है कबड्डी फ्रेंड सर्कल के सभी मेम्बरान ने, कमेटी के, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट हासिल किया इस्लामी स्पोर्ट के खिलाड़ी ने, एक साथ 3 पॉइंट हासिल किया है। केएफसी के प्रेसिडेंट पल्लन भाई, वाइस प्रेसिडेंट नदीम शेख, एडवोकेट आफिफ मोमिन जो ट्रेजरर हैं और लॉ ऑफिसर है भिवंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, इसी तरीके से शहजाद लाले, जियाउद्दीन उर्फ जावा, अरशद दत्ता, ये सभी कमेटी के मेंबरान हैं।
जिनके मार्गदर्शन में इस कबड्डी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। बहुत ही शानदार कबड्डी का टूर्नामेंट इस वक्त इस्लामी स्पोर्ट क्लब और अंजुमन ए के दरमियान खेला जा रहा है। बहुत ही अच्छी कोशिश की थी और एंकल होल्ड किया गया इस्लामी स्पोर्ट क्लब की जानिब से और आउट हुए। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला अंजुमन ए और इस्लामी स्पोर्ट क्लब के दरमियान। बहुत ही जबरदस्त दो पॉइंट हासिल किया इस्लामी स्पोर्ट क्लब के खिलाड़ी ने। और बहुत ही जबरदस्त डाई मार के दोनों पैरों को होल्ड किया और इसी तरीके से लॉन हुआ है। बहुत ही जबरदस्त खेल का मुजाहरा इस्लामी स्पोर्ट क्लब की जानिब से देखने को मिल रहा है। सभी बच्चे एकदम यंग जनरेशन के बच्चे सब 18 साल के अंदर के बच्चे हैं और बहुत ही बेहतरीन खेल का मुजाहरा इस्लामी स्पोर्ट क्लब की जानिब से देखने को मिल रहा है। और दो पॉइंट प्लस बोनस। अंजुमन की जानिब से बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए आसिम खान और वाकई इस्लामी स्पोर्ट क्लब ने बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा किया।
इस मैच को हमारे पंच हजरात कंडक्ट कर रहे हैं, साजन पाटिल साहब, गजानन नाइक साहब और किशन चौधरी साहब, जो हमारे ठाणे जिले के रेफरी हैं, पंच हैं। और ये थर्ड रेड, बहुत ही शानदार मुकाबला इस्लामी स्पोर्ट क्लब और अंशुमन स्पोर्ट क्लब ए के दरमियान जारी है। खेल का हाफ टाइम हुआ है, हमारे ऑफिशियल स्कोरर स्कोर बता दें। खेल के हाफ टाइम का स्कोर है इस्लामी स्पोर्ट क्लब 15 पॉइंट, अंजुमन स्पोर्ट क्लब 9 पॉइंट। क्या बोल रहे सब लोग, एमएमए बनता है मालूम है ना, मचाएंगे। बहुत ही शानदार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है केएफसी कमेटी ने। यहाँ पर हाफ टाइम के बाद जो खिलाड़ियों को ड्रिंक्स दी जा रही है, इसको स्पॉन्सर किया है साकिब। और इसी तरीके से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी, जो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी, बहुत ही अच्छी ट्रॉफी यहाँ पर स्पॉन्सर की गई है, जिसको स्पॉन्सर किया है एडवोकेट रुबीना मोमिन ने, और उनके हम शीरा एडवोकेट अजमान मोमिन भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनका खैर मकदम करते हैं केएफसी कमेटी की जानिब से।
अगला राउंड किसमें ने अक्षरा होगी और आजाद होगी। कॉपी किधर है लिख के रखो ना वैसा पूरा। अरे बहुत ही शानदार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। ग्राउंड पर ड्रिंक्स गिर गई है उसको साफ कर दें। केएफसी कबड्डी फ्रेंड्स सर्कल के प्रेसिडेंट पल्लन भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनके अध्यक्षता सदारत में इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। एक्रेलिक आर्ट 2 के प्रोप्राइटर भी हैं पल्लन भाई और पिछले दिनों जो बाली ट्रॉफी हुआ था उसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी स्पॉन्सर की थी मैन ऑफ द मैच की। और केएफसी के प्रेसिडेंट पल्लन भाई यहां पर मौजूद हैं। हम उनका कमेटी की जानिब से केएफसी की जानिब से खैर मकदम करते हैं इस्तकबाल करते हैं वेलकम खुश आमदीद पल्लन भाई। बहुत ही शानदार टूर्नामेंट आपने ऑर्गेनाइज किया है भिवंडी शहर का तारीखी टूर्नामेंट। बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान जारी है अंजुमन स्पोर्ट क्लब और इस्लामी स्पोर्ट क्लब के दरमियान। खेल का हाफ टाइम हुआ था इस्लामी स्पोर्ट क्लब ने बढ़त हासिल की थी। खेल का दूसरा हाफ टाइम शुरू हो चुका है। बहुत ही अच्छे खेल का मुजाहरा करते हुए इस्लामी स्पोर्ट क्लब के सभी खिलाड़ी सब 18-19 साल के अंदर के बच्चे हैं लेकिन बहुत ही बेहतरीन खेल का मुजाहरा इस वक्त इस्लामी स्पोर्ट क्लब की जानिब से देखने को मिल रहा है। एक्रेलिक आर्ट 2 के प्रोप्राइटर पल्लन भाई की जितनी भी सराहना की जाए कम है। वाकई उन्हें खेल से बहुत ही प्यार है खेल से बहुत ही लगाव है। पिछले साल उन्होंने बहुत ही शानदार कबड्डी का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था आज़ाद स्पोर्ट क्लब के माध्यम से और इस वक्त केएफसी के माध्यम से बहुत ही शानदार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसके वो प्रेसिडेंट भी हैं। आज़ाद स्पोर्ट क्लब भी और अप्सरा स्पोर्ट क्लब खेल का हाफ टाइम हो चुका है दोनों ही टीमें ग्राउंड पर पहुंच जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला इस वक्त अंशुमन स्पोर्ट क्लब ए
और इस्लामी स्पोर्ट क्लब के दरमियान इस्लामी स्पोर्ट क्लब की जानिब से बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा इस वक्त देखने को मिल रहा है। राइडर समझ ही नहीं सके थे इस्लामी स्पोर्ट क्लब के, थर्ड राइडिंग थी और उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। दो पॉइंट गए क्योंकि वो सुपर ट्रिकल के सूरत में दो पॉइंट हासिल होते हैं। और इसी दरमियान हमारे दरमियान नरेंद्र पाटिल साहब के यहाँ पर आमद हो रही है, जो नागरिक बैंक नागरिक सहकारी बैंक के इंजीनियर हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि एक वो कबड्डी के खिलाड़ी हैं, कालिका माता टीम खारबाव की जानिब से वो कबड्डी खेला करते थे। हम उनका केएफसी की जानिब से खैर मकदम करते हैं। वेलकम सो स्वागतम नरेंद्र पाटिल साहब। खेल का आखिरी चार मिनट दिया जा चुका है। अभी तक का स्कोर है 16 पॉइंट अंजुमन स्पोर्ट क्लब, 18 पॉइंट इस्लामी स्पोर्ट क्लब। खेल का आखिरी चार मिनट दिया जा चुका है। इस वक्त इस्लामी स्पोर्ट क्लब ने टाइम आउट लिया है। हमारे दरमियान कालिका माता खारबाव टीम के बेहतरीन कबड्डी के खिलाड़ी नरेंद्र पाटिल साहब की यहां पर आमद हो चुकी है। उनका खैर मकदम है, वेलकम खुशामदीद सो स्वागतम। और अभी वो नागरिक सहकारी बैंक के इंजीनियर हैं। बहुत ही शानदार टूर्नामेंट केएफसी की जानिब से ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके प्रेसिडेंट हैं एक्रेलिक आर्ट टू के प्रोप्राइटर पल्लन भाई। वाकई पल्लन भाई की जितनी भी सराहना की जाए कम है। कबड्डी के खेल से बहुत लगाव है उनको और उनकी अपनी एक टीम भी है आज़ाद स्पोर्ट क्लब, और कबड्डी का टूर्नामेंट वो ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कबड्डी का टूर्नामेंट भिवंडी शहर का पहला लाइव टेलीकास्ट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था। हम पल्लन भाई के शुक्रगुजार हैं कि जो लगातार टूर्नामेंट कबड्डी का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक दफा फिर हम आए हुए सभी शायकीन कबड्डी का केएफसी की जानिब से खैर मकदम करते हैं, वेलकम खुशामदीद।
खेल का आखिरी 3 मिनट दिया जा चुका है। खेल का आखिरी 3 मिनट दिया जा चुका है। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला इस्लामी स्पोर्ट क्लब और अंजुमन स्पोर्ट क्लब के दरमियान जारी है। कौन मैच जीतेगा कोई कुछ कह नहीं सकता। बहुत ही टक्कर का मुकाबला इस वक्त दोनों टीमों के दरमियान चल रहा है। खेल का आखिरी 2 मिनट दिया जा चुका है। खेल का आखिरी 2 मिनट दिया जा चुका है। इस वक्त टाइम आउट लिया है अंजुमन स्पोर्ट क्लब ने। अभी तक का स्कोर है अंजुमन स्पोर्ट क्लब 23 पॉइंट, इस्लामी स्पोर्ट क्लब 19 पॉइंट। 23 और 19। बहुत ही शानदार मुकाबला, बहुत ही टक्कर का मुकाबला इस्लामी स्पोर्ट क्लब और अंजुमन स्पोर्ट क्लब के दरमियान। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस मैच को कौन जीतेगा। बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा इस्लामी स्पोर्ट क्लब की जानिब से देखने को मिल रहा है। और इस वक्त आसिम खान पूरी लय में आ चुके हैं। अंजुमन के बेहतरीन सुपरस्टार राइडर आसिम खान, अगर अंजुमन इस मैच को जीतती है तो मेरे नजरिए से वाकई आसिम खान ने बहुत ही बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है। खेल का आखिरी मिनट दिया जा चुका है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस मैच को कौन जीतेगा। बहुत ही टक्कर का मुकाबला चल रहा है। शायकीन की सांसें रुकी हुई है। खेल का आखिरी मिनट दिया जा चुका है। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। और इस तरीके से अंजुमन स्पोर्ट क्लब ने इस मैच को जीत लिया है। हार्ड लक इस्लामी स्पोर्ट क्लब, भले आपने मैच हारा है इस्लामी स्पोर्ट क्लब, लेकिन शायकीन ने कबड्डी का आपने दिल जीता है। बेहतरीन खेल का मुजाहरा शायकीन, जरा इस्लामी स्पोर्ट क्लब के लिए तालियों से इनका स्वागत करें। बेहतरीन शानदार खेल का मुजाहरा इस्लामी स्पोर्ट क्लब की जानिब से देखने को मिला। हमारे ऑफिशियल इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी का नाम बता दें। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी अंजुमन के सुपरस्टार खिलाड़ी आसिम खान, कम ऑन द स्टेज। आसिम खान आपको स्टेज पर आना है। हमारे दरमियान कालिका माता टीम के अपने वक्त के बेहतरीन खिलाड़ी यहां पर मौजूद हैं। नरेंद्र पाटिल साहब, मैं चाहूंगा कि आप अपने दस्ते मुबारक से, आप अपने शुभ हाथों से इस मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दें। ये देखिए नरेंद्र पाटिल साहब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देते हुए, जो एक अपने वक्त के बेहतरीन खिलाड़ी रहे, कालिका माता खारबाव टीम से खेला कर